ओह, अलार्म बज रहा है। अब उठने का समय हो गया है। आओ देखें कि आज क्या दिन है। हाँ, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कैलेंडर देखने, पर एक अच्छी खबर है, यह भयानक शरारत का समय है। पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। आइए पहले प्रैंक की तैयारी शुरू करें। मुझे इसके लिए गुब्बारा, एक सफेद कपड़ा और एक काला मार्कर चाहिए। देखो, ये एक असली भूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तैयार होगा। मैं इसे मियाँ के कमरे में लटका दूंगी। वाह, वो अभी भी सो रही है। ये मेरा मौका है। खोने के लिए एक मिनट नहीं है। मैं भूत को यहीं छोड़ दूंगी, ठीक उसकी नाक के नीचे। केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास बहुत डरावने दस्ताने हैं। मैं उन्हें मियाँ पर डालने की कोशिश करूंगी। यह निकला सुपर। किस्मत आज मेरी तरफ है। अब केवल फर्श पर गेंदों को फैला देना बचा है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप उन पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। और फाइनल टच स्लाइम है। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है। मैं इसे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे प्रैंक के लिए जरूरी है। तो बस अब मुझे जाना है। अंत में मैं एक ईंट की दीवार के पोस्टर के साथ दरवाजा बंद कर दूंगी। आइए देखें कि मिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या नहीं। यह क्या है? अरे बाप रे, मुझ पर भूत ने हमला किया। कोई मेरी मदद करो। एक सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि असली नहीं है। ये शायद सब सूजी कर रही है। मेरे हाथों को क्या हुआ? शांत हो जाओ मिया, घबराओ मत। ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्लव्स है। खैर, ये सूजी से निपटने का समय है। वो खुद को समझती क्या है? मैं अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ओह, मेरे चेहरे पर क्या लग गया? अरे नहीं, दिन की कितनी भयानक शुरुआत है। रुको सूजी, दीवार? दीवार कहाँ से आ गई? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय मिया, हैप्पी हैलोवीन। अब तो तुमने पंगा ले लिया है सूजी। अब मैं तुमसे बदला लेने जा रही हूँ। शरारत करने की मेरी बारी है। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी तुलना में बहुत डरावना होगा। मैं बीच में एक छेद और एक काले कपड़े के साथ एक लकड़ी के काउंटर टॉप का उपयोग करती हूँ। मेरी राय में यह पहले से ही बहुत डरावना लग रहा है। अब मैं ठीक बीच में छेद कर दूंगी। एक बड़ी बाल्टी डालूंगी, इसके तल को भी हटाना होगा। इस तरह से पॉपकॉर्न डालना ताकि कुछ भी नहीं देखा जा सके। सुपर, आधा काम हो गया है। आपको मेरा नया रूप कैसा लगा? क्या यह डरावना नहीं है? एक डरावना वातावरण बनाने के लिए आपको एक डरावनी फिल्म चालू करनी होगी और रोशनी कम करनी होगी। अब पूरी चुप्पी। बस देखो, अब मैं मेज के नीचे छिप जाऊंगी। ओह, डरावनी मूवी, मैं बस इसे देखना चाहती थी। हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न भी है। सुपर। ओह, यहाँ क्या गड़बड़ है? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई जरूर है। किसी ने मेरी उंगली काटी थी। बॉक्स में मॉन्स्टर है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब नहीं रुक रही हूँ। मेरे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे प्रैंक है और मैं इसके लिए नकली हाथ का उपयोग करूंगी। ये असली जैसा दिखता है। उपकरण के साथ सूटकेस, मुझे ड्रिल की जरूरत है। मैं दीवार पर कुछ लटकाऊंगी। पार्टी के लिए घर को सजाने का समय है, लेकिन कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। मुझे सब कुछ करने दो। धन्यवाद सूजी। ओह, मुझे छींक आ रही है। नहीं, मैंने अपना हाथ पंचर कर लिया। बचाओ। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कितना बड़ा छेद है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। खैर, वो शरारत में फंस गई। क्या यह सूजी का हाथ है? वो असली नहीं है। मुझे फिर से धोखा दिया। खैर, यह एक प्रतिशोधित कदम उठाने का समय है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि गंजा सिर अगले शरारत के लिए एकदम सही है। यह मजेदार रहेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन दिमाग लगाने की जरूरत है। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ गायब है, जैसे कि खून। मैं लाल रंग लूंगी और उसमें एक सफेद पट्टी को ठीक से रंग लूंगी और फिर मैं इसे अपने सिर के चारों ओर सावधानी से लपेटूंगी। मुझे भी इसे डर लगेगा। यह वास्तव में डरावना लग रहा है। मैं एक विग लगाऊंगी ताकि सूजी को समय से पहले कुछ भी संदेह ना हो। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। बहुत ही अच्छा। प्लेट फाइनल टच है। मैं उसे पीठ पर छोड़ दूंगी। यह सूजी को उकसाएगा। हाय मिया, मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए बैठ जाओ। उसकी पीठ पर क्या है? सूजी फंस गई। एक लंबा समय हो गया जब मैंने किसी की चोट ही नहीं खींची। यह क्या है? मुझे लगता है मैंने मियाँ के सभी बाल खींच लिए हैं। सरप्राइज। यह मजेदार था। मैंने कर लिया। कैंडीज या गंदी चीजें? हमारे पास हमारे पहले मेहमान हैं।
हाँ यहाँ ये आपके लिए है। असल में मुझे कुछ कैंडी अपने लिए रख लेनी चाहिए थे, सब एक बार में नहीं देना चाह। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मैं एक विशेष चॉकलेट अंडे बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं असली अंडे लूंगी, हर एक के बीच में लकड़ी की छड़ी डालूंगी और फिर इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर रैपर लगा दूंगी। यह कमाल का लग रहा है। कैंडी या गंदी चीजें? ओह तुम फिर से आ गए। या लो मैंने कुछ नए ट्रीट तैयार किए हैं, चलो देखिए कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। वाह कितना बढ़िया, ऐसा लगता है मैंने सब कुछ ले लिया। मुझे किंडर सरप्राइज पसंद है, मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। ओह यह क्या है, कच्चा अंडा, कितना घिनौना। मुझे मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहती। हमें एक नई शरारत की व्यवस्था करनी होगी। मैं उसके लिए कद्दू का उपयोग करूंगी, हैलोवीन का जाना पहचाना निशान। वाह अब मेरे पास शानदार जैको लैंटर्न है, अब केवल अंदर मोमबत्तियाँ रखना बाकी है। अब यह सही है, मुझे लगता है कि इसे सूजी के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। यह अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है, उसके आने से पहले मुझे जल्दी करने की जरूरत है। सुपर, जैको लैंटर्न जगह पर है। लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे सूजी के स्नीकर्स और लाल पेंट की भी जरूरत होगी। मैं कालीन पर खूनी पैरों के निशान छोड़ने के लिए धब्बा बना दूंगी। इस क्लासिक शरारत से बेहतर कुछ नहीं है। यह तैयार है, मैंने इसे कालीन पर रखा और इसे ठीक से दबाया। आज बहुत व्यस्त दिन था, मैं थक गई हूँ। यह आराम करने और बिस्तर पर लेटने का समय। और यह क्या है, यह खून जैसा दिख रहा है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे कमरे में घुस गया है, शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वाह सूजी यह बढ़िया रहा। और मैंने तुरंत कैसे नहीं सोचा कि यह तुम्हारी शरारत है। हंसना बंद करो मियाँ, यह लो। मुझे नहीं लगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो मुझ पर तकिए फेंक रही है। मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैंने सोचा है कि कैसे। मैं इस बर्फ सफेद तौलिया को ले जाऊंगी, इसे फर्श पर फैलाऊंगी और उस पर अपनी खूनी हथेली के निशान छोड़ दूंगी। मैंने देखा है कि सूजी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इससे डर लगता है और मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अपने हाथों पर पेंट लगाना बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। यह काम कर रहा है, मैं कुछ और प्रिंट छोड़ दूंगी। सुपर, आप तौलिए को जगह पर लटका देती हो, बस किसी को शक नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा, एक तौलिया काफी नहीं है। और क्या होगा यदि सीधे शावर हेड में लाल पेंट डालते हैं? ये निश्चित रूप से सूजी की जान ही ले लेगा। सब कुछ सही से है और सबसे जरूरी बात, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक खूनी बौछार, उसके लिए डरावना सरप्राइज होगा। एक और शानदार आइडिया, मैं आईने पर एक डरावना साबुन से लिखा मैसेज छोड़ दूंगी। ये सूजी को डराने के लिए आखिरी तिनका होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये काफी डरावना होगा। मैं अपने सभी मजाक पर सूजी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जरूरी बात है कि समय से पहले उसे कुछ पता न चले। अब नहा धोकर फ्रेश होने का समय है। एक शावर हमेशा मुझे आराम करने में मदद देता है। कितना अच्छा पानी है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या यह खून है? निश्चित रूप से मियाँ की चाल है। फिर से मैं जल्दी से पहुंचकर उसे खोजने जा रही। ओ नहीं, तौलिया खूनी प्रिंट में कवर है। और यह क्या है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कितना भयानक। मुझे यहाँ से जाना होगा। यह मेरे लिए है, मैं आ रही हूँ। हेलो, धन्यवाद, यह सब मेरे लिए है। अब मैं इस बिस्तर को थोड़ा ठीक करने जा रही हूँ। यह क्या है, वह क्या करने वाली है? अब मैं दस्ताने पहनती हूँ और काम पर लग जाती हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक बेकार बिस्तर से एक शानदार बिस्तर कैसे बनाया जाए। इसके लिए मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। ओह अब मैं रुक नहीं सकती। ओह ध्यान से, ओह मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी। चलो हम जारी रखते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ सब कुछ ठीक है। मुझे अपने निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण मिला है, उसे यहाँ रख दे। एक और, बस हमने इसे सुलझा लिया है। और अब ड्रिल। मैं गिर रही हूँ, मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। यह ठीक है, मैं अब कचरे से छुटकारा पाऊंगी। और तुम क्या करने वाली हो? एक बिस्तर का निर्माण, यह एकदम आसान है। इस बार को अच्छे से ठीक करना है और यह लगभग आधा तैयार है। बढ़िया, मैंने कर लिया। हम बिस्तर को नीचे करते हैं और फिर मैं इसे अच्छे से स्क्रू करूंगी। वाह
मैं भी इसे आसानी से कर सकती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ आ जाओ, ये रहे तुम्हारे पैसे, हम इसे अभी करेंगे मिस। धन्यवाद। यह क्या है? ओह यह हार्ड था। यह कैसा है? वाह कितना अच्छा। हाँ इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर होगा। वे भी एक बिस्तर बना रहे हैं और फूलों की व्यवस्था भी की गई है। हम बहुत अच्छे हैं। तकिए के साथ सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया, अब फाइनल टच की बारी है। बिल्कुल सही। ओह अपनी आँखों का ख्याल रखना। ओह वाह ईर्ष्या मत करो, मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर है। ओह यहाँ बैठना कितना मुश्किल है, बिल्कुल आरामदायक नहीं। यहाँ बहुत अच्छा है। वो मुझे क्यों देख रही है? खैर ये ठीक है, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? हाँ लेकिन शायद ये मेरा काम आ सकता है। पर्दे। अब ये निश्चित रूप से सुंदर होगा, मैं जीनियस हूँ। और क्या होगा अगर मैं इसे ले लूँ तो? हाँ बस एक झपट्टा नीचे आ गया। अब इसे यहाँ लगा देती हूँ। स्टेपलर हमेशा मदद करता है। चलो चलते हैं। अब मैं इस पर्दे को लगाने जा रही हूँ, इस तरह से सब अच्छा होगा। ओह मुझे अब स्टेपलर की जरूरत नहीं थी। और तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? वाह अब मैं सभी को सरप्राइज करूंगी। मुख्य बात इसे कसकर बांधना है और दूसरा छोर भी। अब मेरे पास एक सुंदर झूला है, मैं उस पर आराम कर सकती हूँ। बहुत सुविधाजनक, उसने खुद का झूला बनाया। ईर्ष्या मत करो। एक तरह से उबाऊ है। मेरे पास एक आइडिया है, हमें अभी झूला नहीं चाहिए। मैं इस बेड साइड टेबल और इस कपड़े से एक टेबल बनाऊंगी, इसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब हमें डिवाइस जोड़ने की जरूरत है। अब मेरे पास एक टी सेट है, ऐसे प्यारे मग के साथ। चाय पार्टी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ओह माय किस तरह का किंडरगार्टन है, टी पार्टी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। वह निश्चित रूप से मुझसे ईर्ष्या करेगी। आविक है? हाँ आओ यहाँ रख दो। क्या आप आज रात पार्टी कर रही हैं? हल्के संगीत के बिना कैसी पार्टी? हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया। आपका पैसा, धन्यवाद। जल्दी अपने सभी दोस्तों को बुलाती हूँ। दोस्तों के बिना किस तरह की पार्टी? हेलो दोस्तों, हेलो। हम लोग काफी समय से आपस में बात नहीं किए हैं। चलो मजे करो, ये सब अच्छा होने वाला है। वहाँ क्या चल रहा है? अंदर मत आना, मैं वास्तव में नहीं चाहती हूँ। ओह कितना तेज है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे कान। म्यूजिक बंद करो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं कॉल करूँगी जहाँ मुझे जरूरत है, वो उनके साथ निपट लेगा। म्यूजिक बहुत जोर से है, क्या तुम आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। इतनी जल्दी? हेलो इधर आओ, मैं सब देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वहाँ एक पेशेवर काम करता है। लड़कियों तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो, यह बुरा है। मेरे पास एक आइडिया है, यह आपके लिए है। बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे अद्भुत लोगों से निपटना अच्छा है। चलो अच्छे से मजे करो, आज कितना अच्छा दिन है, मैं नाचना और मुस्कुराना चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? ओ, ओ, मुझे जाना है, बाय बाय। तुमने देखा समस्याओं से कैसे हल किया जाता है? ओह फिर से, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे भी पता है कैसे मजा करना है। तुम देखना मेरी पार्टी तुमसे 100 गुना बेहतर होगी। इसके लिए मुझे बस एक ग्लोब चाहिए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो डिस्क लेते हैं, बढ़िया है। अब उन्हें थोड़ा काटने की जरूरत है, हमने छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए हैं, ध्यान से ताकि खुद को न काटे। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तैयार, अब मेरे पास बहुत सारे चमकते स्क्वायर्स हैं। अब उन्हें मेरे ग्लोब से चिपकाने की जरूरत है, एक के बाद एक इस तरह से। चलो स्पिन, तैयार, ये सुंदर है। अब हमें इसे यहाँ लटकाने की जरूरत है, ये एकदम सही लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बचे हुए डिस्क के साथ दीवार को सजा सकते हैं। अच्छा होगा कि उस पर ग्लू भी लगाए। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मेरे पास स्पीकर नहीं है लेकिन मेरे पास ये शानदार चीज है। चलो मेरे फेवरेट म्यूजिक को जोर से चालू करें ताकि हर कोई सुन सके। क्या तुम्हें ये पसंद आया मेरे दोस्त? यह क्या है, कितनी मस्त पार्टी है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हाय क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ, शामिल हो जाओ, ये एक टी पार्टी है, कितना बढ़िया। यह कैसे संभव है? थोड़ा लाइट चाहिए, किताब बहुत दिलचस्प है।
लाइट ब्लिंक कर रहा है, यह अच्छा नहीं है। ओ, वो बंद हो गया। हे, काम करो। मैं क्या करूं? वाह, मेरे पास लैंप का एक बॉक्स है। वाह, ये कितने सारे हैं। यह काम करना चाहिए या कुछ और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सभी लाइट बल्ब को फर्श पर रख दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, सब तैयार। अब बस लैंप लगाना है। बहुत बढ़िया। वो क्या कर रही है? अब मैं बिस्तर के चारों ओर एक माला लगाऊंगी। यह ठीक निकला। यह क्या है? अरे, कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ। ओ हाँ, मैं। वाह, अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी हूँ। मुझे डिलीवरी चाहिए तुरंत। आ भी गया। गुड आफ्टरनून। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बिस्तर पर लाइट लगाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है। आपके पास सबसे चमकीला बिस्तर होगा। चलो और लाइट लगाओ। इसे चालू करो। वाह, बहुत बढ़िया। यह रहा तुम्हारा पैसा। धन्यवाद। ओ नहीं, कितना भयानक। सब में आग लग गई है। मेरा बिस्तर, क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। बुझाने की जरूरत है। अब मैं कुछ करूंगी। मैं तुम्हारा बिस्तर बचा लूंगी, चिंता मत करो। ओ, हो गया। तो बहुत डरावना था। चलो मेरे पास आओ। और क्या करना है? यह बहुत अच्छी जगह है और खिलौने मस्त है। कितना बढ़िया। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? क्या हुआ? हम कहाँ हैं? रहस्यमय बटन चुनौती में आपका स्वागत है। किस तरह की चुनौती? हम पिंजरों में क्यों हैं? और यह कैमरे क्यों है? क्या कोई हमें देख रहा है? अरे कोई है, हमें यहाँ से निकालो। खैर, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? सभी मजा आगे है। गिलियन, बटन दबाओ, डरो मत। हालांकि बटन बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और वैसे स्टारबक्स का एक स्वादिष्ट ड्रिंक गिर रहा है। जरा देखो यह कितना स्वादिष्ट है, व्हिप्ड क्रीम के साथ। जिलियन, यह सब तुम्हारे लिए है, इसका आनंद लो। बस सांस लेना मत भूलना और अपने सुंदर बालों का ख्याल रखना। और सजावट के लिए नाजुक व्हिप क्रीम की एक टोपी। यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वे बहुत स्वादिष्ट भी है, खाकर देखो। स्वादिष्ट, इतना कोमल। बहुत बढ़िया। मुझे जानना है कि अगर मैं इस बटन को दबाती हूँ तो क्या होगा। हमारे पास यहाँ क्या है? बिल्ली का खाना। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हालांकि अभी यह पैक तुम्हारे लिए है, नैंसी। हाँ, गंध निश्चित रूप से अजीब है, लेकिन शायद यह बेहतर स्वाद का होगा। टूना के स्वाद के साथ बारिश हो सकती है। ओह, नैंसी खुश नहीं लग रही। खैर, कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम लकी हो। ठीक है, अब फिर से जिलियन की बारी है। मुझे जानना है कि इस बार तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं इसे दबाती हूँ। चलो देखें। ओह हाँ, यह हर किसी का पसंदीदा कोका कोला है। और कितना सारा, एक पूरा पिरामिड। ओह, जिलियन, ध्यान रखना, कोला बर्फीले ओलों की बारिश की तरह तुम पर गिर रही है। मुझे आशा है कि तुम्हें अपने सिर पर चोट नहीं लगेगी। ओह जोकर, लेकिन तुम एक कूल कोक का आनंद ले सकती हो। मेरे पास यहाँ कैट फूड है। तो नैंसी, तुम्हें क्या मिलेगा? वाओ, ये एक आइस ब्लास्टर है। तुम इसका उपयोग चीजों को फ्रिज करने के लिए कर सकती हो। कोशिश करो। ये लोडेड है और एक बर्फ के हमले के लिए तैयार है। बस सावधान रहना। ओह वाओ, जमे हुए कोला का स्वाद और भी अच्छा होता है, असली आइसक्रीम। जिलियन, इसे आजमाओ। मैं वह हूँ जिसने कोको फ्रीज किया है। नहीं, फिर यह लो। मेरी सुपर रे तुम्हें एक बर्फ की मूर्ति में बदल देगी। हाँ, अब हम तुम्हारे साथ विंटर पार्क को सजा सकते हैं। अभी जिलियन जमी हुई है, तो देखते हैं कि उसके लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है।
ओहा, नेस्पिक कोको, इतना सुंदर और गर्म, हमारी स्नो क्वीन जिलियन को पिघलाने के लिए बस सही है। देखो ये काम किया, एक अच्छा चॉकलेट शावर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ओह यह कितना अच्छा है। ओह नहीं, अरे नैंसी, तुम्हारा ब्लास्टर पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है, किसी और को फ्रीज करना संभव नहीं होगा। जिलियन बटन दबाओ, यहाँ बहुत दिलचस्प है, हर बार एक नया सरप्राइज, अब क्या होगा। वाओ, ये हाईटेक ग्लास है, यह स्पेशल सर्विसेज का एक सीक्रेट टूल है, केवल असली जासूसों के पास ऐसी चीजें होती हैं। हम उन्हें थोड़ी देर के लिए उधार लेंगे, हम चुनौती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे पकड़ो जिलियन, बस सावधान रहना, ये बहुत कीमती है। वाओ, ये ऐसा है जिसे मैं कंप्यूटर गेम में हूँ। रुको, वाह, क्या ये साइंस है। मैं इस स्माइल फेस के साथ बटन को दबाने जा रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। बहुत समय हो गया है, तुम सही कह रही हो जिलियन, मीठे कारमेल पॉपकॉर्न की एक बड़ी बकेट पूरी तरह से तुम्हारी है। ये बहुत क्रिस्पी है, काश मैं एक नई एक्शन फिल्म को देखने उनके साथ सिनेमा जा पाती, लेकिन फिल्म के बिना भी मैं यह कर सकती हूँ। पॉपकॉर्न के पूरे ढेर का सामना, ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन तुम इसे कर सकती हो। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। चलो एक बटन दबाते हैं। तो इस बार हमें क्या मिलता है। वाह, रंगीन स्किटल्स का एक बड़ा पैक। हाँ, मुझे पता है तुम उन्हें बहुत पसंद करती हो, लेकिन बेहतर है कि तुम अपनी आंखों से चश्मा ना उतारो, ताकि तुम्हें अच्छी चीजें मिलती रहे। ये कितना अच्छा है। सही, तो आगे क्या है, चलो देखते हैं। वाह, ये नाजुक एयर मार्शमेलो का एक बड़ा पैकेज है। वाह, ये कितने स्वादिष्ट है। जिलियन, तुम बहुत लकी हो, बस कैंडीज की ढेर, हम सभी अभी तुम्हारी जगह पर रहना चाहते हैं। आनंद लो। ओह हाँ, कितना स्वादिष्ट है। वाह, मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। हे जिलियन, क्या मैं अब बटन दबा सकती हूँ। तुम्हें पहले ही बहुत सारी कैंडीज मिल चुकी हैं। मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे इस बार क्या मिलेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती नैंसी, लेकिन तुम्हें एक बेस्वाद नमकीन मछली मिली। क्या गंध है, हालांकि शायद तुम इसे पसंद करोगी, आखिरकार हम सभी के स्वाद अलग अलग होते हैं, किसी को नमकीन पसंद होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी चुनौती के नियम है, कुछ भी मिल सकता है। जिलियन, क्या तुम मुझे अपना जासूसी चश्मा दे सकती हो, मुझे जानना है कि तुम उनमें क्या देखती हो। हाँ वाह, हर जगह साइंस है। हाँ, मैं एग्जिट बटन दबाऊंगी, इस भयानक मछली के बाद मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, मदद करो, मेरा पिंजरा मुझे खाने जा रहा है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। जिलियन, अब तुम्हारी बारी है, एक बटन चुनो, लेकिन साइंस के बिना। चलो देखते हैं हमें क्या मिला। ओ वाह, हमारी पसंदीदा न्यूटेला, इतना अच्छा चॉकलेट नट, झड़ने से बेहतर क्या हो सकता है। मोटी सिल्की चॉकलेट स्प्रेड, हवादार मार्शमेलो के साथ अच्छी तरह से जाता है। ओह माय गॉड, ओह वाह। जिलियन, तुम्हें पहले से ही सभी बेहतरीन कैंडीज मिल चुकी है। ओह वाह, वाह, यह चॉकलेट शावर था, बहुत बढ़िया। उफ, वो फिर से लकी निकली। नैंसी, तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। मीठी जेली बेली बीन्स, कितना अच्छा। हालांकि इन कैंडीज में कई अलग अलग स्वाद है, कोई भी मिल सकता है, जब तक तुम खाकर नहीं देखोगी तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। बढ़िया, कैंडीज की बारिश। चलो नैंसी,
इस बार तुम्हारे पास क्या है? मैं इस कैंडी को ट्राई करती हूँ। तो इसका स्वाद कैसा है? वाह, ये जादू इनविजिबल कैंडी है। नैन्सी, तुम कहाँ हो? ए, क्या वो भाग गई और मुझे कुछ नहीं बताया? उफ, मैं कैसी दोस्त है। नैन्सी, तुम कहाँ छुप रही हो? हाँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है और मैं मौके का फायदा उठा सकती हूँ। अरे मेरा नाक। ओह, तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख सकता। ओह नैन्सी रुको, मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? ओह बाहर आओ। उस जोकर के पास क्या है? हाँ, ये पिंजरे की चाबी है। हाँ, हमें इसे तत्काल लेने की जरूरत है। हाँ, हुर्रे, मैं आजाद हूँ। अब जिलियन जल्दी बाहर आओ, चलो चलो यहाँ से निकल जाओ। बाय एविल जोकर। दोस्तों, तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है, मेरे पास एक स्नीकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया। और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली? किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली? ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। उसे हमसे दूर रखो, जल्दी करो और खाओ इसे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती। लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। ये बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी, मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई? केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी, अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं, स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें यह खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं, क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले ले। मुझे आपत्ति है, मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें? मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होंठ के ठीक ऊपर।
ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओ केट, तुम्हें अपने होंठ देखने चाहिए, तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है, इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया, कितना भयानक घिनौना, इसे मेरे पास से हटाओ। छी, जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। हाँ, मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए, अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है, मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। आह, कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो करो, तुम कर सकती हो, ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली, बधाई हो, ये वास्तव में अच्छा था। ये सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओ नहीं, मैं पक्का ये कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपिटेट। ये कितना कड़ा है, असली रबर की तरह। इसे काटना भी असंभव है, मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और काटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं, इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा। और मैं कैसे पता करूँ कि यह छड़ी क्या कर सकती है? बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया, देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ वह तो है, मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है। और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यह बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है, कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ, बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी।
अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब। धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अवार्ड नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं, और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है, मेरा हाथ जार में फंस गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो। चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केक, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था, मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। आखिरकार